हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.4 है उसमें उसका जो आइडेंटिटी है जिसे प्रूव करना, ठीक है ना, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 नंबर है उसे ध्यान दें, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, उसमें क्या लेंगे, पहले LHS कोई भी हमारा हो प्रूव करने वाला, LHS RHS जो हमारा सुटेबल है वो लेंगे, ठीक है ना, और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा है, जो फॉर्मूला का फुल वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं कैसे रीड करना फॉर्मूला का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। sec थीटा माइनस cot थीटा ये हमको दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन हमको होल स्क्वायर है, ये छूट गया है क्वेश्चन में, ये होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए इसका होल स्क्वायर है तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर cos दिख रहा है रूप में, यहाँ पर sin cos के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/ sin थीटा माइनस cot के लिए होता है cos थीटा बटा में sin थीटा और ये सबका होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमको हो गया साइन थीटा, दोनों साइन साइन डिवाइड करेंगे एक बार में, एक में एक से गुणा करेंगे एक, माइनस साइन साइन से भाग करेंगे एक बार में, एक में कॉस, हो जाएगा हमको कॉस थीटा और सबका होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो अगर ऊपर नीचे दोनों को स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम क्या करते, देखिए ये 1 cos यहाँ दिख रहा है, भले स्क्वायर हमारा है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ऐसे भी हमारा हो जाता है 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, जैसे हम छोड़ दिए, और साइन स्क्वायर या थीटा है होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर है तो इसे समझने के लिए मैं और बढ़ाते हैं, 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, कोई बदलना वाला नहीं है, और माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसे दिखाने के लिए समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ हो गया 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, बाई में क्या लिखेंगे 1 cos थीटा और इनटू में 1 cos थीटा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ऊपर वाला थोड़ा मिटाने वाला है, सुधार सकते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर है जिसे हम लोग मिटा करके दो जगह लिख सकते हैं 1 cos थीटा सेम टू सेम, क्योंकि हमारा x इंटू एक्स बराबर क्या होता है हमको एक्स स्क्वायर होता है ना, सेम वो तरीका अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये एगो दो को हमारा हो जाएगा पावर में। अब यहां से आसानी से कटा सकते हैं, ये हमको हो गया प्रूफ होकर के 1 cos थीटा / 1 cos थीटा, जो हमें RHS के बराबर है, जो हमें प्रूव हो गया नहीं साबित हो गया, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे देखते हैं, ठीक है। हम यहां पर थोड़ा समय बचाने के लिए सकिए हैं, यहाँ पर cos a by 1 plus sin a, 1 plus sin a by cos a, दोनों का सम 2 से के बराबर होता है, इसे प्रूफ करना है। हम पहला पार्ट यानी LHS यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं LHS, कोई दिक्कत है हमें नहीं है, ठीक है ना। और देखिए 1 plus sin a और cos a का हम लोग LCM निकालेंगे, तो दो अलग अलग नंबर का LCM क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 1 plus sin a और इनटू क्या हो जाएगा हमको cos a। अब यहाँ देखिए इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा, बचेगा हमको cos a, cos a में cos a गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे टोटल में हम cos भाग करेंगे तो cos कटेगा, बचेगा ये, और इसे गुणा करेंगे सेम टू सेम है तो वह हो जाएगा 1 sin a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी a plus b का होल स्क्वायर को तोड़ना है, काम करना है, तो यह हमको हो गया cos स्क्वायर a plus 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 और हो गया हमको इंटू 1 और इंटू साइन ए, और बाटा में क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए और इंटू हो जाएगा हमें कॉस ए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिल कितना होता है हमको 1 होता है, तो यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसे गुणा करेंगे तो 2 साइन ए रहने गया, 1 तो गायब हो जाएगा क्योंकि 1 छुपा रहता है मल्टीप्लाई में, यहां नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। अब देखिए एक एक 2 ये नहीं जोड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया 2 प्लस 2
साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा हमको वन प्लस साइन ए और इंटू में हो जाएगा हमें कॉस ए। अब दोनों दो है, यहाँ हम लोग कमन निकाल लेते हैं तो कमन निकलेगा तो वन प्लस साइन ए और बाई में हो जाएगा वन प्लस साइन ए और इंटू में हो जाएगा कॉस ए। ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में तो पूरा पूरा ऊपर नीचे है कट जाएगा, यहाँ बचेगा दो बटा कॉस ए। अब देखिए इसे लिख सकते हैं ऐसे भी हम लोग दो बटा वन बाई कॉस ए, अब वन बाई कॉस ए किसके बराबर होता है हमको सेक ए के बराबर, यानी सेक हो गया जो हमें प्रूफ करना था ये हमें हो गया आर एच एस के बराबर, यानी हम लोग राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड से राइट साइड हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, ठीक है ना। थ्री क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक वीडियो पे देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ हमारा लॉजिक भी है, ठीक है। तो हमारा देख रहे हैं सेक और कॉस के रूप में हमको आना है, ठीक है ना। चेंज करते हैं इसे साइन और कॉस के रूप में, ये हो गया हमको साइन थीटा बटा में हो गया हमको कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे वन बाई कॉस कॉट का उल्टा टैन का उल्टा कॉट होता है, यह हो गया हमको कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ बातें हैं, यह हो गया कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और यह है वन माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अभी ऊपर वाला कुछ नहीं करने वाला, नीचे वाला थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थोड़ी सी मेहनत है लिखने के लिए, मेहनत करना ही पड़ेगा। ऊपर है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा हमको, नीचे हो जाएगा हमको साइन थीटा। तो एक पढ़ा पड़ेगा साइन बार में साइन एकम साइन, तो यह हो गया हमको साइन थीटा माइनस हो गया हमें कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ कॉस एकम कॉस एलसीएम कितना हमको आएगा कॉस थीटा में आएगा, एक बड़ा कॉस में कॉस एकम कॉस हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस एकम कॉस साइन एकम साइन, जैसे हमने यहाँ पर किया इस तरह से, ठीक है ना। अब दो भिन्न है, हम क्या करते हैं पहला भिन्न साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हमें हो गया और यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ जाएगा ऊपर साइन थीटा नीचे हमको आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद से यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा और बटा में साइन थीटा और यहाँ पर इंटू कर देंगे कॉस थीटा, बटा में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन दो बार है, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर दो अलग अलग है ये मल्टीप्लाई बना देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ी सी यहाँ पर रुकते हैं, प्लस यहाँ कॉस में कॉस गुणा करेंगे ये हो गया हम कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा हमको साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, देखिए ये दोनों बराबर है नहीं, ये हमारा दोनों मल्टीप्लाई जाएगा चूंकि एलसीएम निकालना है तो, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसे बराबर करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लानी है। इसमें अगर हम लोग इस वाले में माइनस कमा निकाल लें या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसके साइन बदल जाएगा, ठीक है ना, जिसे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इस साइड करते हैं, जगह थोड़ा सा लेगा ही लेगा, तो ये हमको हो गया ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा जो कहते हो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और यहाँ देखिए ऊपर हमारा है कॉस स्क्वायर, ये भी छोड़ दिए हम माइनस कमा निकालते हैं चूंकि मल्टीप्लाई में है तो माइनस हम इसमें से ले रहे हैं तो माइनस हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह हमको हो गया साइन थीटा, अब देखिए ये प्लस कॉस है ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और जो माइनस वाला है वो हो जाएगा हमको प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पहचान कर लीजिए कि प्लस साइन है यहाँ प्लस साइन है माइनस कॉस है माइनस कॉस है, ठीक है ना। और ये दोनों गुणा होकर के या डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा यह हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए थोड़ी देर के लिए साइन रहने देते हैं साइन थीटा और इसे सीधा करते हैं, यह हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यह दोनों बराबर है तो ये हमारा एक ले लेंगे, ये दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा यह साइन थीटा और ये हमें
कॉस थीटा इनटू में और ई दोनों में से हमारा एगो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस टोटल से हम ई भाग करेंगे तो कॉस कटेगा और ई कटेगा, बचेगा साइन, साइन में साइन एस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा मतलब पावर थ्री और माइनस ये वाला हिस्सा यानी साइन और ये कटेगा बचेगा कॉस, कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा मतलब की पावर थ्री। अब इसे हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका प्रयोग हम करते हैं देखते हैं क्या होने वाला, ठीक है ना। तो यहां देखिए यहां लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया यहां से और उसके बाद से हमारा ए, ए मतलब साइन, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, ए और बी ये हो गया तो साइन थीटा और इंटू हो गया हमको कॉस थीटा इंटू है कॉस थीटा और फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद से साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस बात क्या करेंगे हम लोग ये वाला ही कटा देंगे कट जाएगा हमके और इसके बाद से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये हमको होता है वन, ये हमको यहाँ से वन प्लस ये अब दोनों जैसा है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा ये रह जाएगा, नीचे बचा हमको साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज का लॉजिक समझ आया है, अगर x प्लस वाई बटा दो रहे तो हम लिख सकते हैं x बटा दो प्लस वाई बटा दो, बात बराबर होगा। तो यहाँ पे x और ये y इसके नीचे हमारा ये है तो इसके नीचे भी हुआ और इसके नीचे भी हुआ, तो हम क्या लिखते हैं लॉजिक में वन बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और y में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी दोनों कट हमको वन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा इस तरीके से लिखते हैं वन बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस ये वन हो गया। अब ये वन बाई एक्स इंटू वाई से अलग है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा और इंटू वन बाई कॉस थीटा प्लस वन, वन बाई साइन ये होता है कॉस थीटा और ये वन बाई कॉस ये होता है सेक थीटा प्लस वन, आ चुका है वो सजा देनी है वन प्लस में है प्लस हमको वन है ये वन हो गया और प्लस सेक सेक इंटू कॉस हमारा है ये हो गया हमको सेक इंटू कॉस जो बिल्कुल बराबर है ये हो गया आर एच एस के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बार बार सॉल्व करेंगे तो आप सवाल सॉल्व करना समझ में आपको आ जाएगा कैसे आपको चलना है क्वेश्चन लेकर के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 इसे प्रूव करना है कि यह इसके बराबर है, ठीक है ना। यह ध्यान दीजिए तो यहां से हम क्या करेंगे वन पे है तो वन छोड़ दिए, सेक के लिए वन बाई कॉस ए फॉर्मूला हमको होता है और इस सेक के लिए वही चीज हम रहा वन बाई कॉस ए। अब देखिए क्या करना है इसका एलसीएम निकालेंगे तो वाई में इसका हमको वन है तो यहाँ हो गया वाटा में कॉस ए, यहाँ पर वन में कॉस को पढ़ा पड़ेंगे तो गुणा करेंगे वन में तो यह हो जाएगा हमको कॉस ए प्लस कॉस अकाउंट कॉस कॉस में वन से गुणा करेंगे वन वन से वन और बाई में क्या हमारा है वन बाई कॉस ए। अब देखिए दो भिन्न, एक हमारा भिन्न ये वाला है दूसरा भिन्न हमको ये है, पहला जैसा भिन्न हमारा है कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए इसे रहने देंगे और इंटू कर देंगे इसे उल्टा करके कॉस ऊपर ए नीचे में वन या कट कर क्या बच गया हमको कॉस ए प्लस वन, ये हम आया अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ दो तरीका है अगर इसे हम लोग रेशनलाइज कर दें अंश यहाँ पर हर जो है एक है, ठीक है ना, तो भी आ सकते हैं या हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमको आ जाएगा तो एल एच एस बराबर आर एच एस कह सकते हैं कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, हम यही चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं वन प्लस कॉस ए हमने इसे लिख लिया, ठीक है ना। अब इसका अंश का परिमेयकरण करने पर तो इसे आप देखिए कैसे करेंगे तो वन प्लस कॉस ए है और इंटू करेंगे वन माइनस कॉस ए। अब यह हो जाएगा बाई में वन माइनस कॉस ए, आप देख लीजिए आज भी चुका है ऊपर वाला वन वन कॉस कॉस माइनस प्लस ये हो गया वन का स्क्वायर
और माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर। तो वन प्लस टू ऑफ तो वन ही होता है, यह हो गया हमें कॉस स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हम फॉर्मूला में साइन स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस ए जो हमें आ चुका है आर ए इसके बराबर। इस तरीके से सॉल्व को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए वो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 8.4 के। तो इसे थोड़ा सा इसमें समझदारी और दिमाग सारा लगाना है, ठीक है ना, इसीलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, स्किप नहीं करना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा समय लगेगा इस वीडियो में, लेकिन आप वीडियो देखिए और समझने का प्रयास करिए। प्लस वन बाई में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहां लगा है कॉस एक और कॉट, कब आएगा जब इसे हम लोग साइन को भाग कर देंगे कॉस से तो हम टेन हो जाएगा, या इसे कॉस भाग करेंगे तो हमें साइन से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको कॉस बाई साइन कॉट आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसे अंश, ये वाले बोलेंगे अंश वाले को हर, तो अंश और हर में, अंश और हर में हम भाग करते हैं साइन से, ठीक है ना, साइन ए से भाग करने पर, भाग करने पर भाग करते हैं, देखिए क्या कंडीशन आता है। तो ऊपर जब भाग करेंगे तो सब में भाग करना पड़ेगा, हम लिखते हैं कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, यहां लिखते हैं वन बाई साइन ए, इसके बाद से यहां कॉस है नीचे वाला में तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, इसके बाद से वन बाई साइन ए। हमें अब यहां से कुछ चीजें आसान दिख रही है, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये हमें कॉट दिखा चुका है माइनस वन और प्लस सी ओ एस ई सी कॉस ए के, और कॉस बाई साइन क्या होता है हमको कॉट ए होता है प्लस वन और माइनस कॉस ए। अब हमें कुछ रास्ता यहां दिखाई देगा, कॉस ए माइनस कॉट है ये वन है, वन का फॉर्मूला जो होता है ना कॉस कॉट ग्रुप में कॉट स्क्वायर कॉस ए माइनस कॉट होता है ना। यहां देखिए पहले से लिखते हैं इसे कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस वन, और इसे लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस वन। इसमें नीचे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ वन के लिए ये फॉर्मूला होता है सी ओ एस ए सी कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ट्रिगोनल होता है ना। यहाँ से पहले ये ए तब टी एंथी के फॉर्मूला हम लोग को तो यूज करते हैं वन के लिए, ऊपर यहाँ लिखते हैं कॉट ए प्लस सी ओ एस ई सी कॉस ए के माइनस, इस वन के बदला क्या लिखना हमको है सी ओ एस ई सी कॉस ए स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ जो है वही सेम रहेगा यानी कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे ए मान ली इसे बी मान ली तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा हमको ए माइनस बी प्लस बी, यह फॉर्मूला आप यूज करते हैं, यह हमें हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस एक ए और माइनस, थोड़ी सी यहां मेहनत करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हो गया हमको कॉस एक ए माइनस कॉट ए और इनटू में कॉस एक ए प्लस कॉट ए, यहां विशेष कुछ नहीं किए हैं, और नीचे लिख रहे हैं हम लोग हैं कॉट ए माइनस कॉस एक ए और प्लस वन। यहाँ पर सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर हम क्या करना है, ठीक ना, यह कॉट ए प्लस कॉस ए यहाँ पर है और इसके अंदर भी है, तो इसे हम लोग और हम लोग टोटल इसको कॉमन निकाले बाहर निकाले तो यहाँ पर वन क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। यहाँ हो जाता है देखिए कैसे कॉट ए प्लस कॉस ए और इनटू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमको वन फुल जगह पे वन बचेगा वन हो गया, और यहाँ वन बचता भी है तो इसे गुणा करेगा तो हमारा इतना ही रहेगा और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस उसी भी तभी बच रहा हमको टोटल तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए और ये बोला तो गायब हो चुका चूंकि वन हो गया है, ठीक है ना। यही हमारा मेन लॉजिक है जिससे आप लोग वीडियो को बार बार अगर दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया हमको कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस वन, अब खुद देख लीजिए
प्लस वन है, ये वाला प्लस वन है, माइनस कॉस एक है माइनस कॉस एक है, प्लस कॉट है प्लस कॉट है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर है। बीच में गुणा इसलिए कट गया, बच गया हमको कॉट ए प्लस कॉस एक ए, ये हो गया हमें प्रूफ यानी साबित हमें हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो को दिक्कत अगर हो रहा हो तो बार बार रिपीट करिए और देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख दिया एक ही बार बोर्ड पर, ठीक है ना, दोनों सवाल बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखते हैं LHS, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, हम ला रहे हैं इसके के प्लस टेन ए, क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इसके समाइज कर देंगे, यानी यही पर में करना होता है, यही पर करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस, यहाँ साइन ए लिखते हैं और यहाँ लिखाता है 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम लिखाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से रूट के अंदर ये दोनों सेम टू सेम है, हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 बराबर है साइन से बराबर, एक माइनस एक प्लस, ये होता हम कहे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर वही होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से इस तरीके से, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो ये जैसा वाला है वैसे ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमें कॉस स्क्वायर ए। अब रूट के अंदर होल स्क्वायर है, दोनों से बाहर निकलेगा, ये भी दोनों से बाहर निकलेगा, देखिए कितना जल्दी बन गया, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसके पहले आपको यहाँ पर दिए थे एक्स प्लस वाई बाई दू रहे, तो हम लिख सकते हैं एक्स बाई दू प्लस वाई बाई दू, लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या अंक होता है, सेक ए होता है, और साइन बाई कॉस क्या अंक होता है, टेन ए होता है, देखिए प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे भी ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, सवाल एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा, बहुत थ्री है, और बाई टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और समानता क्या है समझना है, दोनों में साइन है दोनों में कॉस है, तो हम साइन जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक, और यहाँ पर दो है, और साइन तीन गो है तो यहाँ साइन हो जाएगा दो, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा हमको कॉस निकालेंगे कॉमन तो यहाँ हो जाएगा हमको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना है इस दोनों में से किसी एक को बदल लगे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, यहाँ हम चेंज करते हैं साइन थीटा और इनटू में वन, ये थोड़ा ब्रैकेट चेंज करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट, वन माइनस टू ए टू साइन के लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता फॉर्मूला, ठीक है, कोसाइन स्क्वायर होता है, और नीचे टू कॉस थीटा इनटू में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थोड़ी सी यहाँ मैथ करनी है, बस दो से मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, ये हमें हो जाएगा साइन थीटा इनटू में वन माइनस दो कम दो हो जाएगा हमको, और माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई में कॉस थीटा और इनटू में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक से दो हटाएंगे तो माइनस वन बचेगा हमको, यह हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया हमें कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थोड़ी सी मेहनत और करते हैं यहाँ पर बगल में इसे सीधा करते हैं, पहले प्लस बाद में माइनस, यह हो गया हमें साइन थीटा और इनटू में टू कॉस स्क्वायर थीटा पहले कर दिए ये वाला, और माइनस वन बगल में, और बाई में क्या हो गया हमें cos थीटा और इनटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा पूरा बराबर है sin / cos का जगह में tan थीटा, जो हमें RHS के बराबर है, जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है ना, 8वां नंबर पर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, दोनों को जोड़ने पर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करना है, ये हम आधा लिख चुके हैं, LHS लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमको ए स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए
प्लस टू ए बी, टू साइन ए और इंटू कॉस ए ए, यहां तो क्लियर हो गया। इसके लिए ये हो गया हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, तो टू कॉस ए इंटू सेक है, यह हो गया कॉस ए इंटू सेक है। अब कुछ पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, हमको होता है ये लिख देते हैं हम लोग वन, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर साइन इंटू कॉस ए बी कितना होता है हमको, इसका वैल्यू कितना होता है हमको वन होता है, यानी हो गया टू इंटू वन, प्लस यहाँ भी टू इंटू इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, तो दो गुणे ये वन हो गया। इसके बाद से यह है सी ओ एस ई सी कॉस ए का स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हमें बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर इसे हम लोग चेंज करते हैं ना, कॉसेक किसके रूप में हमको टैन कॉट रूप में आ रहा है, ये बार और भी इसके रूप होता है, यह वन प्लस कॉट आएगा और ये हमको आएगा वन प्लस टैन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला ये हो गया वन प्लस टू प्लस टू प्लस, इसके लिए वन प्लस कॉट स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक का, ठीक है ना, और यह होता है हमें वन प्लस टैन ए का फॉर्मूला। ये हो गया हमके एक दो तीन दो पांच छह और एक सात हो गया, सात प्लस ये लिख देंगे टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया हमें रूट हो गया, ऐसे साबित करेंगे। यह सिर्फ कॉसेक स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला होता है और ये सेक स्क्वायर ए वन प्लस टैन स्क्वायर के रूप में होता है, क्योंकि प्रूफ करा था हमें टैन और कॉट के रूप में, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया, नेक्स्ट वीडियो चलो। अब ये क्वेश्चन जो नौ नंबर है इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें वन बाई इतना लाना है, मतलब टेन ए प्लस कॉट ए लाना है, और ये दिए गए क्वेश्चन हमें cos a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a दोनों मल्टीप्लाई करने का प्रूफ करना, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे प्रूफ करने के लिए हम लोग ये दोनों पद को सॉल्व करना पड़ता है, मतलब की लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर शायद ये प्रश्न हमें लेफ्ट राइट दोनों सॉल्व करना ही पड़ेगा, देखते हैं सॉल्व करने प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो cos a जो है साइन के रूप में हो जाएगा वन बाई साइन ए और माइनस यहाँ पर साइन ए है, और यहाँ पर आएंगे तो वन बाई कॉस ए हो जाएगा और माइनस कॉस ए। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमको आएगा साइन ए, तो साइन कम साइन माइनस वन, यहाँ पर कितना वन है तो वन में साइन साइन बाट में साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमको कॉस ए, कॉस ए होगा तो कॉस हम कॉस एक बार में एक में एक से गुणा करेंगे, या बाई वन है तो कॉस कम कॉस कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए यह हमको होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या होता है साइन ए, और इंटू में वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर यह हमको होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। अब यहाँ देखिए ऊपर दो कॉस नीचे एक गो कटेगा, ऊपर साइन दो है नीचे हमारा एक कटेगा, यानी बचेगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका रिलेशन उससे दूर दूर का कोई नहीं है, तब इसे प्रूफ करना पड़ेगा, मिलेंगे आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये हो गया हमको वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसे दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, वन बाई टेन के लिए साइन ए बाई कॉस ए, और ये कॉट के लिए कॉस ए बाई साइन ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा वन है तो वन रहेगा, साइन कॉस ए का एलसीएम आएगा हमको बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे भाग करेंगे कॉस से, कॉस कटेगा बचेगा साइन, साइन में साइन से साइन स्क्वायर, यहां समझिएगा इसमें डिवाइड करेंगे इससे तो कॉस कटेगा साइन, साइन में साइन से साइन स्क्वायर, उसी तरीके से इससे डिवाइड करेंगे तो साइन कटेगा कॉस बचेगा, कॉस में कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ खुद बताइए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में वन होता है तो ऊपर भी वन नीचे पर हो रहा है वन बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अभी जाएगा ऊपर हमको ठीक क्या हो जाएगा वन बाई वन इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस ए बटा में वन, यानी हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा इस वाले बराबर है, हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमें क्या हो गया रूट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।